सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर दी है, लेकिन अगर आपको ये खबर पूरी तरह समझ में आ जाए तो ये खबर है पेंशन की। अब इस सेक्टर में काम करने वाले कुछ शर्तों को पूरा करेंगे और हर महीने निश्चित रकम जमा करेंगे तो 60 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए गाइडलाइंस जारी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, काम करने वाले वर्कर की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसे 60 साल की उम्र पार करने के बाद 3000 महीने की पेंशन मिलेगी। अधिकतम उम्र सीमा और पेंशन मिलने की उम्र के बीच का यह फर्क देख रहे हैं आप, कम से कम 20 साल। अब आप सोचिए 20 साल के बाद 3000 रुपए की क्या वैल्यू रहेगी, पता नहीं इससे चाय पानी का भी जुगाड़ हो पाएगा या नहीं। दूसरी बात, इस स्कीम की बड़ी शर्त है कि इससे जुड़ने के लिए आपकी आमदनी महीने की 15000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर बढ़ गई तो मैं इसका फायदा उठाने का हकदार नहीं रहूंगा। वाह, ऐसे में हमेशा मैं गरीब बने रहने की कोशिश करूं तो फायदा है, नहीं तो एलिजिबिलिटी गई। लेकिन सरकार एक केस ये भी देखिए, पॉसिबल है कि फिलहाल मेरी आमदनी कम है, कुछ स्किल मैंने हासिल किए और हालात बदल गए, मुझे ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। कहने का मतलब कि असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में मेरी एंट्री हो गई। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर से मुझे किसी कारणवश असंगठित क्षेत्र में वापस आना पड़ा। ऐसे हालात में मेरे लिए स्कीम के फायदे रहेंगे क्या? गाइडलाइन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब पेंशन हासिल करने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है उनकी कुछ शर्तों को समझ लेते हैं। पहली शर्त यह है कि आखिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला किसे माना जाएगा? घरों में काम करने वाली महिला या रसोईया, गली में फेरे लगाने वाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, प्लम्बर, मजदूर और इसी तरह के पेशे से जुड़े लोग इस पेंशन स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। अब इनको किश्त के तौर पर कितने रुपए देने होंगे जरा ये जानते हैं। अगर 18 साल की उम्र के वर्कर हैं तो उन्हें 60 साल की उम्र तक 55 रुपए देने होंगे, इतने ही रुपए का योगदान सरकार भी करेगी। इसी तरह अगर 29 साल की उम्र के वर्कर हैं तो उन्हें 60 साल की उम्र तक 100 रुपए देने होंगे, इतने ही रुपए का सरकार भी योगदान करेगी। और 40 साल की उम्र के वर्कर हैं तो उन्हें 200 रुपए देने होंगे, सरकार का भी योगदान इतने का ही होगा। बड़ी मुसीबत तो यह है कि गाइडलाइन के मुताबिक जिंदगी भर में अगर किसी वर्कर ने एक बार भी इनकम टैक्स भर दिया तो एलिजिबिलिटी गई। क्या ये अजीब नहीं है? मान लीजिए कि एक 30 साल का करियर है, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दिन बदलते हैं, कभी हालात बुरे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये स्कीम उसी के लिए है जो हमेशा गरीब ही रहेगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि किसी की एलिजिबिलिटी पर अगर कोई संदेह हो तो मामले पर सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी का फैसला आखिरी होगा। अब सोचिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले की इतनी हैसियत होगी कि वो सरकार के आला अफसर को कांटेक्ट कर सके। एक और बात, 10 साल से पहले आपने स्कीम छोड़ दी तो आपने जितनी रकम जमा की है उस पर साधारण ब्याज जोड़कर रकम वापस कर दी जाएगी, आपकी एवज में सरकारी योगदान का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद और रिटायरमेंट से पहले एग्जिट करने के हालात में जमा राशि प्लस फंड की कमाई ब्याज दर को मिलाकर आपकी रकम वापस हो जाएगी। मतलब ये कि सरकारी योगदान का फायदा तभी मिलेगा जब आप 60 साल की उम्र तक इसमें बने रहें। दूसरे शब्दों में, 60 साल तक आपके हालात मुश्किलों से भरे रहें तो ही स्कीम का कुछ फायदा मिलेगा, वरना नहीं।